दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार में। दोस्तों, आज बहुत ही काम की बात हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 31 दिसंबर तक आधार पैन कार्ड करा ले लिंक, नहीं तो पैन कार्ड हो जाएगा बेकार। दोस्तों, इसके लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से या एक SMS करके लिंक करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम आपको इसका पूरा प्रोसेस सही तरीके से बताते हैं। पैन आधार को 31 दिसंबर तक लिंक कराना अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर पैन कार्ड रद्द माना जाएगा। भारत सरकार के नए नियम के अनुसार आपको ये 1 जनवरी 2020 से पहले यानी 31 दिसंबर तक आपको लिंक कराना अनिवार्य है। अगर आप अपने अभी तक अपना आधार पैन को लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द इसे लिंक करा लें। इन्हें लिंक कराने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से या एक SMS करके इन्हें लिंक करा सकते हैं। SMS का कोई भी चार्ज नहीं है। चलो, हम आपको इन्हें करने के दोनों तरीकों के बारे में बताते हैं। इन तरीकों से करें लिंक। एक SMS से कैसे लिंक होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं को दो ऑप्शन दिए हैं कि वह SMS के जरिए या फिर आधार पैन को लिंक कर सकते हैं। यह तरीका सबसे आसान तरीका है SMS द्वारा। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप SMS से लिंक कर सकते हैं। अगर आप स्मार्टफोन चला रहे हैं, चाहे आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे SMS कर सकते हैं या फिर एक ऑनलाइन वेबसाइट से, तो हम आपको वो ऑनलाइन वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए, हम आपको ऑनलाइन कैसे करते हैं आप वो बताते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में UIDPN टाइप करना है, इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज कराना है। उदाहरण के लिए हम आपको बताएं, UIDPN स्पेस 12 अंकों का अपना आधार नंबर स्पेस पैन नंबर 10 अंकों का पैन नंबर लिखकर आपको 567678 या 561611 पर भेजना है, SMS कर देना है। SMS का कोई भी चार्ज नहीं है। इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा। तो हम आपको ऑनलाइन तरीका बताते हैं, वो तो हुआ SMS का तरीका, अब बताते हैं ऑनलाइन तरीका। सबसे पहले, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है गूगल प्ले पर या आपकी जीमेल आईडी नहीं है तो आपको जीमेल आईडी बनानी होगी। पहले खुद को रजिस्टर कीजिए। इसके बाद आयकर विभाग की ई फिलाइंग वेबसाइट www.incometaxindiaefilingg.gov.in पर जाएं। ये वेबसाइट हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप वहाँ से इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गूगल क्रोम या UC ब्राउज़र, जो भी आप ब्राउज़र चलाते होंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसे। तो वेबसाइट पर लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे क्लिक करें। लॉग ऑन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं। प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सिलेक्ट करें। यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड यानी कि जो तिरछे तिरछे अक्षरों में होगा उसे भरें। जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी, अपना जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और ऐसे ही रोचक दिलचस्प खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट में अपने स्टेट का नाम, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी दे सके और अपनी राय हमें दे कि किस टॉपिक पर हमें वीडियो आगे और बनाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।